हाँ भाई ये देखिए मेरे पास दो एंड्रॉयड टीवी बॉक्स है, जिसमें कि H96 ये रॉक चिप का है, 3318 मॉडल नंबर, ये एमोलॉजिक H96 का है, जिसको मैंने कम्प्लीटली एक को मैंने कम्प्लीटली ठीक कर दिया है, जिसमें कि एंड्रॉयड 9 बोल रहे थे सिर्फ 9 सपोर्ट करेगा, जबकि मैंने इसमें 10 सपोर्ट करवाया, ये देख लीजिए, ये जबकि मैंने 10 सपोर्ट करवाया, ये देख लीजिए मेरा टीवी में ये 10 दिखा रहा है, वर्जन 10 एंड्रॉयड 10 है ये, ठीक है, जिसको कि मैंने लोड कर दिया है। लेकिन एक जो है ये एमोलॉजिक का, इसका जो है ये अभी एक भाई साहब ने भेजे हैं हमको, जो है मैं एक हार्डवेयर इंजीनियर का काम करता हूँ घर में बैठ करके, ये देख लीजिए हार्डवेयर इंजीनियर का मैं काम करता हूँ, ये भाई साहब एक भेजे हैं, ये भी दूसरे का ही है जिसको मैंने ठीक किया है, इन्होंने भी मुझे कोरियर करके भेजा कि भाई मेरा ये ऐसा ऐसा है मुझे ठीक करना, ये 75% तक मैंने इसको कम्प्लीटली कर दिया है, कम्प्लीट 75% हो गई है, कुछ देर में ये कम्प्लीटली ओके हो जाएगी, फिर मैं इसमें 9.0 एंड्रॉयड डाल दूंगा, ये भी कम्प्लीट हो जाएगी। अगर आप लोगों को भाई लगता है कि ये गलत है, आप मेरा जो है YouTube चैनल पर आकर के किस तरह से क्या आप कमेंट में दीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन देगा किस तरह से क्या करना है, ठीक है। और किसी तरह का टेक्निकल प्रॉब्लम हो सॉफ्टवेयर से या लैपटॉप के वजह से, आपका लैपटॉप बहुत ले कर रहा है या कुछ ऐसा कुछ, मैं अपने घर में बैठ करके आपके घर पे कनेक्ट करके मैं आपका लैपटॉप भी ठीक कर सकता हूँ, माने सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर का नहीं उस टाइम। अगर आपका लैपटॉप में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत कर रहा है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये वो कुछ भी ऐसा हो जिसको मैं ठीक कर सकता हूँ अपने घर से बैठ करके आपका कम्प्लीटली, ड्राइवर प्रॉब्लम हो कुछ भी ऐसा एनीथिंग कुछ भी, ये देख लीजिए ये जो है ये कम्प्लीट ओके हो गया। ये जो है आपका जो रेड लाइट का जो प्रॉब्लम, आप लोग बोलते हैं रेड लाइट का प्रॉब्लम ज़्यादा आ रहा है भाई, ये रेड लाइट का प्रॉब्लम आता है आपका जो है एंड्रॉयड टीवी बॉक्स ज़्यादा हीट होने के कारण वो जो है स्टक कर जा रहा है आपका मेमोरी, जो कि बूट में प्रॉब्लम। मैंने क्या किया है, जिस भाई का था ये, उसको मैंने बोला भाई इसमें छेद करने ये ठीक हो जाएगा, मैंने उसमें छेद करके ये देखिए ऊपर से मैंने उसमें समय छेद कर दिया, जिससे कि उसका जो है गर्म एयर बाहर निकलता रहे, ये कम्प्लीटली ओके हो गया है, कम्प्लीटली ओके होकर के मैं इसको आज से 4-5 दिन से जो है ये भी आसपास का ही है जो कि मुझे भेजा है, इसको भी 75 कम्प्लीटली हो गया है, बस इसमें जो है स्टक ये मेमोरी कार्ड इसका जो है, जिसमें कि मैं जिस तरह से विंडोज़ लैपटॉप में विंडोज़ 10 डालने के लिए जिस फॉर्मेट में डालना पड़ता वो फॉर्मेट ये ढूंढ नहीं पा रहा है, जिसके कारण से इसमें अलग से चिप या कुछ ऐसा रेजिस्टेंस खोल करके चेंज करना पड़ेगा, ये भी कम्प्लीटली ओके के कगार पे है। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो एंड्रॉयड से विंडोज़ से तो ये देख लीजिए, ये मैं अपना माउस लगा रखा हूँ, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो कोई भी किसी तरह देख लीजिए, ये आपका देख लीजिए, ये भी आपका कम्प्लीटली ओके है एंड्रॉयड वर्जन 10। आज तक आप लोग सिस्टम में एंड्रॉयड वर्जन आप लोग देखते नहीं होंगे, आप लोग सोचते होंगे बहुत भाइयों ने देखा, मैंने कि बहुत भाई ने ये लिखा है कि भाई उसमें जो है वो कनेक्ट नहीं होता है आपका वाईफाई कनेक्ट नहीं होता है, जबकि देख लीजिए मेरे में वाईफाई भी कनेक्ट है और सब कुछ कनेक्ट, देख लीजिए ये वाईफाई कनेक्ट है, देख लीजिए वाईफाई मेरा इनाम से वाईफाई है, ये देखिए कनेक्टेड है, ये चल रहा है वाईफाई कनेक्टेड है, देख लीजिए ओके भाई, बस सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर दिया करें, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो आप हमको कमेंट कीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा ऑनलाइन घर में बैठ के, कोई दिक्कत नहीं होगा किसी तरह का, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी भाई, बस जो भी आप इसमें ये जो एंड्रॉयड 10 है इसमें बहुत तरह का फैसिलिटी दिया गया है, देख लीजिए ये आपको अलग से नहीं डाउनलोड करना पड़ेगा, ये भी नहीं, ये भी ये एयर स्क्रीन है, ये जो है APK प्योर है, ये CTS प्ले है जो कि 100% ये CTS प्ले 100% वर्क करती है, ये ऑलरेडी इनबिल्ड है, ये देख ले DLNA आप लोग तो जानते होंगे, DLNA ये मीडिया सेंटर है जो कि ऑलरेडी इसमें इनबिल्ड है, ये फायरफॉक्स भी ऑलरेडी इनबिल्ड है, ये नोवा वीडियो ये भी ऑलरेडी इनबिल्ड है, और इसमें जो है सबसे बेटर इसमें ये दिया हुआ है कि ये जो है आपका एक्सप्लोयर है ये सबसे बेटर है, जिसका कि आप लोग वर्क देखिएगा तो आप लोग हैरान रह जाइएगा, ये देखिए ये किस तरह वर्क करती है, ये आपका दो पार्ट में कर दे रही है अपने आप को, दो पार्ट में ये कर रही है, देख लीजिए ये जो है आपका अगर इस तरफ से काम करना है तो इस तरफ से कीजिए, इस तरफ से काम करना है तो इस तरफ से कीजिए, आप जिस तरफ से एरो को कीजिएगा उस तरफ से आपका फाइल ये उठाएगी, उठा करके आपको रिले करेगी, किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम आराम से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है इसमें भाई, ए एंड्रॉयड 10 एंड्रॉयड टीवी बॉक्स में H96 4K Ultra HD, एनी कोई प्रॉब्लम नहीं है,
इसमें। ओके भाई, सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको लगे किसी तरह। ये देख लीजिए, ये जो है बहुत से लोग का कहना है कि मेरा जो है अपडेट करने के बाद जो है काम नहीं कर रहा है, बहुत से ऐप्स अपडेट करने के बाद काम नहीं कर रहा है एंड्रॉयड टीवी बॉक्स में H96 में। देखिए ये कोई बाहर से एक भेजे हैं ठीक करने के लिए। उन आप लोग जो है यूट्यूब में 1000 वीडियो देखते हैं, तरह तरह का वीडियो में बोलता है ये अपडेशन है, विंडोज 10 है, एंड्रॉयड 10 है, 11 है, ये सब अपडेट नहीं करने का। जो आपके एंड्रॉयड टीवी बॉक्स में इनबिल्ड दिया गया है, अगर उसमें अगर अपडेशन आता है तभी अपडेट करें। एक्स्ट्रा आप करने जाइएगा आपका जो है अपडेट तो हो जाएगा, लेकिन जो है आपका वो काम करना बंद कर देगा, वो जो है बूट दिखाएगा लेकिन आपका स्क्रीन पे शो नहीं करेगा। इसीलिए कृपया करके अपडेट ना करें। इससे क्या फ्लैश आईसी जो इसमें लगा रहता है, जो फ्लैशिंग करता है, जो आईसी वगैरह जो होता है फ्लैशिंग का, वो आईसी पे आईसी हीट होकर के ख़राब हो जाता है, जिस कारण से आपका बूट तो दिखाएगा लेकिन कुछ आएगा नहीं। इसीलिए कृपया करके आप लोग जो है अपना जो है अपडेट ना करें, काइंडली आप लोग अपडेट ना करें, ठीक है। देखिए ये आए हैं, वही अपडेट करने का चक्कर है। देख ली, मेरे पास बहुत सारा बॉक्स आता है। अरे हाँ, कृपया आप लोग बोलते हैं कि सॉल्यूशन दीजिए, कि आप लोग सॉल्यूशन क्या दें, आप लोग पहले दिखा लेते हैं अपने टीवी बॉक्स को कहाँ कहाँ दिखा करके, उसके बाद लास्ट में बोलते हैं सॉल्यूशन दीजिए, तो उसमें आपका ठीक नहीं होगा। अगर आपका किसी तरह का प्रॉब्लम हो आप डायरेक्ट बात कर सकते हो, आप कहीं अगर दिखा देते हो तो फिर उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जो वे है इसको ठीक करने का, उस वे से अगर ठीक करेंगे तभी ठीक होगा, नहीं तो इसमें है कि कहीं से अगर इधर उधर कीजिएगा तो हर पार्ट्स ख़राब होने का ही है। कोई इसमें अगर सटीक कोई मिल जाता है, अगर इसका जो है डॉक्टर अगर मिल गया तभी वो ठीक कर सकता है, ठीक है। अन्यथा आप ना भेजें मेरे पास, क्योंकि बहुत से भाई लोग जो है भेज देते हैं, बाद में पता चलता है वो किसी और को दिखाए थे। इसीलिए अगर किसी और को दिखा दिए हैं तो कृपया करके मेरे पास मत भेजिए बॉक्स को। और हाँ, कहने का ये मतलब है, आप लोग जो इतना महंगा बॉक्स खरीदते हैं या मंगवाए हैं, उसको आप लोग सॉफ्टवेयर अपडेट एक्स्ट्रा अपनी इच्छा से नहीं कीजिए। जहाँ अपडेट कीजिएगा वो आपका ख़राब हो जाएगा राइट टीवी बॉक्स, मैं पहले बता दे दिया था, फिर रिपीट कर रहा हूँ। इसलिए अपडेशन ना करें, आपका जो उसमें इनबिल्ड है 9.0 है तो 9.0 ही उसके लिए सटीक है, उसमें 10 ना डालें। अगर उसमें 10 है तो उसका अपडेट वर्सन ना डालें, नहीं तो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। और आप लोग बोलते हैं कि देख मेरे पास 1000 कम से कम मेरे पास अभी 10 है जिसमें अलग अलग वर्सन का, जिसको कि मैं इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका लिंक, ठीक है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आप जो है आप मुझे कॉल करके पहले ये पूछ लीजिएगा कि भाई इसमें मेरा एंड्रॉयड टीवी बॉक्स ये है, पहले ये चल रहा था, इसमें कौन सा डालें, तभी मैं आपको बता पाऊँगा कि इसमें यह डालने से आपका ठीक रहेगा, ठीक है। अपने इच्छा से अपडेट ना करें।